नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बिहार के 40,000 गांव में भूमि सर्वे का काम लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि हर दिन भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी तमाम खबरें हम लोग एनबीसी 24 के माध्यम से आप लोगों को देते हैं। ऐसे में आप लोग को भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज के साथ वंशावली देना अनिवार्य है। वंशावली को लेकर लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी ने इसे साफ कर दिया है। कहा गया है कि सर्वे कार्य को लेकर रैतों का वंशावली के लिए किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर या शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की जगह रैतों को फॉर्म 3 के में अपने वंशावली का खुद जिक्र करना है। इसका सत्यापन बंदोबस्त कार्य में लगे कर्मचारी खुद करेंगे। इसके लिए कृषि प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि पहले के खतियान में दर्ज नाम के आगे वंशावली का जिक्र फॉर्म 3 के किया जाना है। रायतों द्वारा इसे भरकर जमा कर दिया जाएगा। इसके सत्यापन का काम बंदोबस्त में लगे कर्मचारी खुद करेंगे। इसके अलावा वंशावली के सत्यता के लिए किसी शपथ पत्र की भी जरूरत नहीं है। वही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण के लिए खतियान की मूल प्रतिलिपि भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। रायत सिर्फ अपने स्वामित्व वाली जमीन का जिक्र करेंगे। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि गाँव में ग्राम सभा का आयोजन कर रायतों से फॉर्म लिए जा रहे हैं और उनका सत्यापन किया जा रहा है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि जमीन से संबंधित राजस्व रसीद का अद्यतन प्रति न रहने के बावजूद सर्वेक्षण में रायतों का नाम शामिल किया जाएगा और रसीद के बिना उनकी जमीन या मिलकियत खारिज नहीं होगी। बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने यह भी बताया कि सभी गांव में तेजी से ग्राम सभा का आयोजन कर रायतों से फॉर्म लिए जा रहे हैं और उनका सत्यापन किया जा रहा है। तो यानी कि सर्वे में वंशावली और शपथ पत्र की जरूरत है या नहीं, हमने इस वीडियो में आपको बताया, क्योंकि लगातार कई जो लोगों के मन में है वो सवाल उठ रहे हैं। सर्वे में खतियान, लगान, रसीद, जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज के साथ वंशावली देना अनिवार्य है। तो आपको बता दें कि इन 4 चीज़ों को रखना आपको जरूरी है। सर्वे में खतियान, लगान, रसीद, जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज के साथ वंशावली देना जरूरी से जरूरी अनिवार्य है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भूमि सर्वेक्षण को लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो काम है वो चल रहा है, और ऐसे में तमाम जो बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा ये भी जा रहा था कि क्या लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं उनका भूमि सर्वेक्षण क्या हो पाएगा या नहीं, इनसे भी जुड़ी हमने खबरें आप लोगों को बताई थी कि ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपना जो है वो ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके आप अपनी भूमि दस्तावेज को भी अपलोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग अपने ऑनलाइन जरिए यानी कि अपना जो भी है ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट जो है दस्तावेज जो जमीन का है वो सारे उसे अपलोड कर सकते हैं और भूमि का सर्वेक्षण भी ऑनलाइन जरिए हो सकता है। आपको आना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि इस आज की खबरें की जो मुख्य वजह थी खबर करने की, ये है कि आपको 4 चीज़ें जरूरी यानी कि अनिवार्य है। पहली वो सर्वे में खतियान, लगान, रसीद, जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज के साथ वंशावली देना अनिवार्य है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एनबीसी 24।